थैंक यू मिस्टर अर्जुन सर, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आया। जी बहुत पसंद है सर। आपके बेबी के बर्थ के पार्टी के लिए भी हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी आपकी सेवा करे सर। जी कुमार साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो सब गलत फहमी थी, हमारी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। यस पूर्वी, नथिंग सर, वो इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आप बात कर लीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। चलो, किसी भी तरह तुम्हें पता तो चला कि तनु प्रेग्नेंट नहीं है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब, हम निकलते हैं। अर्जुन, अर्जुन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जो तुमने अभी मतलब जो तुमने कुमार सर से कहा, क्या वो सच है? तनु प्रेग्नेंट नहीं है मतलब? और उस रात को नशे में तुमने हमसे जो भी कुछ कहा था, क्या वो सारी बातें सच थी? हम कहा गए पूर्वी, हम सच जाहिर नहीं कर सकते। हम तुम्हें यह भी नहीं बता सकते कि जब तुम्हारी बेइज्जती की जा रही थी तब हमारा का हाल था, हमारे दिल पर का बीत रही थी, उसी बाफुकता और नशे में बहकर हम तुम्हें सारा सच बताने चले थे। अर्जुन, अर्जुन कुछ बोलो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे लिए जानना जरूरी है, जो तुमने हमसे कहा था वो सच है। का है ये सबका का मतबल है क्या ये? मिश्रा, ज्यादा झर्रू बनने का कोशिश मत कर मिश्रा ना, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुमने ये डील कैसे और किस हिसाब से की है। बस साला, हम जमीन का दुगना पैसा दिए हैं ताकि वो सरकारी जमीन किसी और को अलॉट नहीं हो। ऐसा ऐसा कौन सा परपंच किया रे तू हमारे साथ, बोल। माफ कीजिए भानु जी, पर गवर्नमेंट चलाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती है, परदेश जो चलाना है। अच्छा, अब तुम हमको देश चलन सिखाओगे? हाँ, अरे हमारा टीचर बनोगे तुम, बोलो। अरे हम भूज लिए हैं तुमको, भूज लिए हम के तुम कहाँ चला रहे हो। तुम्हारा घर चलाने के लिए हम पैसा दिए ना तुमको, जितना तुमने बोला उससे दुगना दिए हम। पूरा 10 गुना पैसे दिए हैं विराज रायचंद ने। साला, संभव नहीं है ये। सच बोल रहे हैं हम। फिर भी तुमको वो जमीन उसका नाम पे नहीं करना चाहिए था। याद रख मिश्रा, भांडा फोड़ देंगे हम तुम्हारा। ये फोड़ने फाड़ने की बात तो आप जाने ही दीजिए, क्योंकि सब जानते हैं कि किसके कलेजे में कितना दम है, और अगर एक बार हमारा मुंह खुल गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे, समझे? और अगर भांडा फूटेगा तो हम दोनों का साथ में ही फूटेगा ना, क्योंकि घोटाला भी तो हमने साथ में ही किया है ना। और जानने समझने की बात यह है कि जो बोलता है ना उससे पैसा बोलता है, और वैसे भी विराज का पैसा और बंदूक जोर से बोलता है, तुमसे तो ज्यादा ही बोल रहे हैं। बोलेगा, हमारा पैसा भी बोलेगा, हमारा बंदूक भी बोलेगा, और हमारा ताकत भी बोलेगा। साला देख लेना, बोलेगा। हाँ, वो सब सच था, लेकिन जो कुछ तुमने सुना वो सच नहीं था, लेकिन जो कुछ भी तुमने सोचा वो सब सही था, सच था। हम नशे में थे, और हमने जो कुछ भी तुमसे कहा वो इसलिए कहा था कि ताकि हम तुम्हें फिर से एक बार बेवकूफ बना सकें। क्या करते, इमोशन में बह गए थे, लेकिन तुम तो हमारी हर एक बात को सीरियसली ले गए, दिल पे ले लिया, और कंफ्यूज हो गई। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है, जो हम आज हमने कैसे सोच लिया कि वो सब सच हो सकता है। हम कैसे भूल गए कि तुम तो वही घटिया इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। कैसे भूल गए हम,
एक पल के लिए हम ये उम्मीद हो गई कि शायद वो, हम बेवकूफ हैं। आज हमें शर्म आती है कि हमने तुम जैसे इंसान से कभी कभी प्यार किया था। शर्म आती है हमें। तो ये है विराज बबुआ। लगता है थोड़े से समय में काफी कुछ हासिल कर लिया। दम है? अरे जाई देना यार बच्चा। अरे ये सब से हमको का मतबल? हम वो जमीन के लिए बात करने आए हैं ना, बस वही करके चले जाएंगे। हाँ हाँ वो तो ये है। जी कहिए। राजन जी, भानु प्रताप, हम आपसे मिलने हैं। बैठिए। विराज बाबू, आपका जो ये घर है ना, वो बड़ा जबरदस्त, एकदम झमाझम टाइप। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है विराज जी, हम तो एक थू गुजारिश लेकर आए हैं आपके पास। जो जमीन आप खरीदे हैं वो हमरे जमीन के सामने वाला है, और हम है ना अपनी जमीन पे एक बहुत ही बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। बस यही बोलने आए हैं कि जो आप होटल बनाना चाहते हैं ना अपनी जमीन पे, उनको प्लीज मत बनाइए। हम है ना इससे भी बड़ा आपको जमीन दिला देंगे ना। ऊपर आप कॉलोनी बनाइए ना, एकदम लग्जरी वाला, और उसमें अगर कोनो दिक्कत आएगी तो हम हेल्प करेंगे ना आपकी। का है बेटा, वो तुम्हारी जो उम्र है ना वो हमारे बेटे के बराबर है, और हमारा जो उम्र है वो तुम्हारे बाप के, हमारा मतलब है तुम्हारे पिताजी के बराबर। तो हमारा ये काम कर दो। जमीन किसी अर्जुन ने ली थी? हाँ हाँ, अर्जुन ने ली थी। अर्जुन सिंह हमारा बेटा है और इनका दामाद। हाँ। तो अर्जुन आपका बेटा है और आपका दामाद। लेकिन आप दोनों जैसा उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर गच्छ। हमने उसे उस जमीन के डबल पैसे ऑफर किए और उसने हमें साफ मना कर दिया। और हाँ, आप हमारे घर में घुसकर क्या कह रहे थे? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया? वो हम आपको बताते हैं। हमारे पास पालतू और फालतू इंसान में फर्क करने की योग्यता है। जैसा कि हमें साफ नजर आ रहा है, आप दोनों कितने बड़े कमीने हो। आपने हमें बेटा कहा ना, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने फायदे के लिए अपने बेटे की पीठ के पीछे छुरा भोंकने में जरा भी नहीं चूकेंगे। क्यों, सही कहा ना, आखिर बिजनेस की बात। साला, अब तुमने जब हम लोगों को कमीना कह दिया है ना,
तो कमीनापन भी देख लो कि हम लोग कितना बड़ा कमीना है। जमीन से ज्यादा अगर तू अपनी जान की कीमत समझता है ना, तो तेरे दिमाग में जो ये कीड़ा कुलकुला रहा है उका निकाल के मसल दे, समझा? मसल दे उका। तेरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उका? कि जो आइडिया होटल बनाने का तेरे दिमाग में चल रहा है उका ड्रॉप कर दे, नहीं तो तू होटल बनाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। ये भी बिजनेस का बात है का? हाँ, बिजनेस का बात है, जिंदा नहीं बचोगे तुम। और हम जो कहते हैं वो करते भी। बच्चा देख साला डर गया। अरे डर नहीं गया रे, ये हिल गया है, ये लल्लू हिल गया। हमको तो लगता है उस जमीन का पेपर लेने के लिए गया। ये सारा का सारा टंटा आज यहीं खत्म हो जाए। अबे क्या है ये? हा? आपने सिर्फ हमें मारने को कहा, तो हम इंतजार क्यों करें? चलिए चलाइए गोली और मारिए हमें। पगला गया है क्या तुम? इतना डर क्यों रहे? चलाइए गोली, आपके कॉन्ट्रैक्ट किलर के पैसे बच जाएंगे। और ये तो एक सुसाइड केस लगे, क्योंकि ये घर भी हमारा है और ये गन भी। अबे ये कान नौटंकी है बे? अरे बोरा गया है का? अरे का लगता है तुमको हमारे पास बंदूक नहीं है? अबे हमारे पास बंदूक भी है, गोली भी है, और हमारा निशाना जो है ना वो कभी चूकता नहीं, समझा? आइए आज ये वाली गन चलाइए, मारिए हमें, क्योंकि हम होटल का प्रोजेक्ट तो नहीं रोकने वाले। अरे? और आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। गोली चल जाइए, मारिए हमें। डर क्या रहे हैं? चलाइए गोली। अबे क्या कर रहे हो तुम यार? अरे गोली साला माथे पे लगता तो हमरा दामन पे दाग लगता। तो मौत का कोनो डर नहीं है क्या तुमको? मौत से नहीं डरते हम, हम डरते हैं तो खुद से, क्योंकि हम अपने साथ और किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गन हमेशा लोडेड रहती है, उसमें और भी गोलियां बाकी हैं। बच्चा ये साला पगला गया, कुछ भी कर सकता, अपना जान ले लेगा ना तो हम दोनों लपेटे में आ जाएंगे। इसको बाद में देखते, चल। पगलेट है साला, बाद में देख लेंगे। रेजिग्नेशन? पूर्वी क्या तुम सचमुच रिजाइन कर रही हो? इतने मुश्किल से तुम्हें जॉब मिला है और तुम रिजाइन करोगी? सोच लो, दूसरा जॉब इतने आसानी से नहीं मिलेगा पूर्वी। सर हमारे पास सोचने का वक्त ही नहीं है, जो हम करना चाहते हैं वो इतना बड़ा है कि उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा फैसला भी लेना ही होगा, और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। कुछ सोचा है तुमने? कुछ प्लान है तुम्हारे पास? है सर, हम मिस्टर विराज रायचंद की कंपनी ज्वाइन करेंगे। विराज रायचंद? ऑफर आया आपको वहां से? सर अभी तक तो नहीं आया। तो देखो पूर्वी, ये फैसला गलत है। तुम इस वक्त नौकरी छोड़ रही हो जहां पर तुम्हें दूसरा कोई जॉब नहीं है, इट्स वेरी रॉन्ग। यस सर, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए हम अपनी कोशिश पूरे विश्वास और पूरी लगन से करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई जॉब तो होगी नहीं, तो हमें पता होगा कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही जगह है। विराज रायचंद बहुत बड़ी हस्ती है पूर्वी, वो किसी को भी अपने काम पे नहीं रखता। ये भी हमें पता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर, और बड़ी हस्ती से मिलने का, उनसे बात करने का हमारे पास हौसला भी है और इरादा भी। मिस्टर विराज रायचंद की कंपनी तो हम ज्वाइन करके ही रहेंगे। एनीवे सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अरे यार बर्फ बर्फ डाल, बर्फ डाल इसमें, बर्फ डाल, दिमाग फटा जा रहा है हमारा, बर्फ डाल। ले क्या ए भानु,
ये साला बिराज रे चंदवा, ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी निकला रे। अरे आज तक हमने सुना था अजीबो गरीब आदमी, ये तो साला अजीबो अमीर आदमी निकला। एकदम पगलैट साला, ऐसा बंदूक अपनी तरफ करके बोलने लगा, चला गोली चला गोली चला गोली। अगर गोली चल जाती तो हमला मुंडी में जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर गया, जाम हो गया एकदम। अभी तक दहशत में बैठे हैं हम। अरे कभी वो गोली चल जाती उसका दिमाग फूट जाता तो अरे हमरा तो भंटा दार हो जाता, दामन दामन साला काला हो जाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अर्जुन अर्जुन बेटा इधर आ, इधर का है बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। वो हमारे होटल के सामने वाले जो जमीन है ना, वो जमीन में वो विराज रहे चंदवा, वो साला अपना होटल बना रहा है। हमको नहीं लगता है बेटा कि वो हमारी बात सुनने वाला है। वो होटल बना के मानेगा, एकदम पगलेट आदमी है साला, और इतना खतरनाक कि साला हम उसको डरा धमका भी नहीं सकते। अब तुम ही बताओ बेटा क्या करें। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो इतना बड़ा जमीन लिया है ऊपर का चाय का ठेला डालेंगे। नहीं अर्जुन, एक कुछ करो यार, तुम ही कुछ कर सकते हो। हाँ बेटा, कहा है कि तू एक बढ़िया होटल बना, ऐसा होटल बना कि सब देखते रह जाए, आंखें फटी रह जाए सबकी। ऐसा होटल बनाओ कि वो विराज रहे चंदवा का होटल जो है ना वो सुपर फ्लॉप। हाँ जी, किससे मिलना है? वो हमें मिस्टर विराज रायचंद से मिलना है, हमारा नाम पूर्वी दयाल है। पर साहब तो घर पे है नहीं, और उनकी परमिशन के बिना कोई मिल भी नहीं सकता। ठीक है, हम यहीं पर वेट कर लेते हैं। लेकिन उनको काफी देर लगेगी। कोई बात नहीं, आज हम मिलकर ही जाएंगे। बैठिए। कह दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप दो मिनट वेट कीजिए। जी। भगवान प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो सुरेश, सर से कंफर्म करना है, एक लड़की उनसे मिलना चाहती है, पिछले 5-6 घंटे से बैठी है, कहती है कि सर की कंपनी में काम करेंगी। ठीक है, दो मिनट रुकिए। हेलो, ठीक है जाएं हम? नहीं, सर ने बोला जिसे वो नहीं जानते उनसे नहीं मिलते और ना ही उन्हें काम देते हैं। ओह गॉड, हमने तो अपना पुराना जॉब तक छोड़ दिया है। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? आप उनसे कहिए कि हम कितनी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैम, बोला फिर भी ना बोले। हम उनसे मिलकर ही रहेंगे। देखिए, हमें अंदर जाने दीजिए, हम सारी बातें खुद ही कर लेंगे, प्लीज। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकती, विराज सर ने मना कर दिया तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। कब तक तुम हमसे नहीं मिलोगे मिस्टर विराज रायचंद? हम तुमसे मिलकर ही रहेंगे और काम भी तुम्हारी कंपनी में ही करेंगे। मिस्टर दयाल प्लीज बैठे। थैंक यू सर। मिस्टर दयाल, आप ये काम कैसे करें? आपकी क्वालिफिकेशंस तो बहुत अच्छी हैं और हमें तो बस एक डिलीवरी बॉय की जरूरत है। आप तो एक डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर होके आप ये काम कैसे करेंगे मिस्टर दयाल? सर बेशक मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इस समय मुझे मेरे परिवार के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। पिछले 2 दिनों से मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ और ये पहला काम है जो मुझे मिल सकता है, इसलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। मिस्टर दयाल, मुझे लगता है आपको इस काम की सच में बहुत ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, आप आज से काम शुरू कर दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जब अपनी फैमिली के लिए पूर्वी उन लोगों के सामने नाच सकती है, तो हम अपनी फैमिली के लिए ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों नहीं कर सकते? बेटा,
अच्छा किया तुमने जो वो जॉब छोड़ दी। वैसे भी उस पार्टी के बाद मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये जॉब करो। हर चीज की एक सीमा होती है। पैसे के लिए मेरी बेटी अपने सम्मान से समझौता करे, ये मैं नहीं चाहती। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो अपने परिवार के लिए सब काम करने में बहुत खुशी हो रही थी। हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम चाहते कि हम एक अच्छी जॉब करें, इसीलिए हमने ये जॉब छोड़ दी। अब जब तक हमें विराज रायचंद की कंपनी में काम नहीं मिल जाता, हम माँ को इस बारे में नहीं बताएंगे। अरे लक्ष्य, सुना तुमने, पूर्वी ने जॉब छोड़ दी। हाँ माँ, और अब पूर्वी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें जॉब मिल गया है। क्या? कौन सी जॉब? क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिली? नहीं माँ, अभी डॉक्टर्स हमें किसी भी हॉस्पिटल में काम करने नहीं देंगे। फिलहाल हमें एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली है। डिलीवरी बॉय? भैया, आप डिलीवरी बॉय का काम कैसे कर सकते हैं? आप एक डॉक्टर हैं। पूर्वी, मैं काम करूंगा। तुमने भी तो परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अब जब तक ये काम है, इस काम को दिल लगाकर करूंगा। और मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि खाली बैठने से अच्छा कोई भी काम सामने आए उसे कर लेना चाहिए। अभी हमारी पसंद और नापसंद का समय नहीं है। ऐसा मत बोलो लक्ष्य, तुम दोनों जो अपने परिवार के लिए कर रहे हो वो शायद ही कोई करता हो। मुझे फक्र है तुम दोनों पर, और मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि एक माँ के रूप में मैं कितनी सफल हूँ। हमें कैसे भी विराज की कंपनी में काम तो करना ही है, और उसके लिए हमें किसी भी सूरत में उससे मिलना पड़ेगा। अब हम उसके ऑफिस जाएंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उससे बात नहीं हो जाती। अरे संजय बेटा, तुम? नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो संजय? मैं ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मैम। एक्चुअली यही बगल में थोड़ा काम था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। दयाल सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? अब वो जरा बाहर गए हैं कुछ काम से। अब मैम, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा, और किसी भी प्रकार से संकोच मत करिएगा। अरे बेटा, और क्या जरूरत हो सकती है? तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, ये घर तक दे दिया। मैम, आप हमारी माँ जैसी है ना, और एक माँ के लिए बेटे को कुछ भी करने का हक होता है ना। अर्जुन, मैं वहां उनसे मिलने गया था और सारी बात सुनी। पूर्वी जी ने काम छोड़ दिया है और लक्ष्य डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। उनकी कंडीशन बहुत खराब है, और सच कहूं तो पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं वो लोग। एक काम करो, ये पैसे कैसे भी करके उन तक पहुंचा दो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमको बताते रहना, ठीक है? आप बिना सामने आए इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए। आप पूर्वी जी को बताते क्यों नहीं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं? वो लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं। उन्हें सच्चाई पता चलनी चाहिए कि ये जो भी मदद हो रही है वो आप कर रहे हैं उनके लिए। नहीं, हम नहीं बता सकते। उनकी नफरत ही हमारे लिए सजा है। अगर आज उस दौर से गुजर रहे हैं, इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। हम दोषी हैं, और अगर आज हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर भी रहे हैं तो यही हमारा प्रायश्चित है। ठीक है, ये पैसे हम उन तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचा देंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है। लेकिन पूर्वी ने काम काहे छोड़ दिया? हम जानते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। उस पार्टी में उसका कितना अपमान हुआ था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए वो सब सहन किया। जरूर वो कोई बड़ा काम करने वाली होगी, लेकिन कहाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.